बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारे लच्छन। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, हमने ये डोरी लेनी है जिगजैग, और ये हमने सिक्के लेने हैं, और आपने जो अपनी शर्ट का जो कपड़ा है उसकी मैचिंग कपड़ा लेना है, और ये हमने प्लेन कपड़ा लिया है। ये मैं आपको 7 ईयर बेबी का बता रही हूँ, जो कि ये जो हमारा कपड़ा है ये है 1.5 मीटर, ये देख सकती हैं व्यूअर्स, ये 1.5 मीटर है। मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ट्राउज़र पसंद आए तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है, ये 1.5 मीटर जो है हमारा कपड़ा, ये डबल है, ये देख सकती हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको निशान लगाकर बताती हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। ये अपनी बेबी का नेफे का मोड़ना है, और आपने जो है इतना तकरीबन इसका जो है मियानी रखनी है ये, और इसके बाद आपने जो है इस तरीके से इसे देख सकती हैं आप, ये मैंने जो निशान लगाया है। ये हमने खुला ट्राउज़र लेना है, बल्कि थोड़ा सा और खुला करेंगे हम, ये देखें इस तरीके से हमने कटिंग कर देनी है इसकी। ये देख सकती हैं आप, ये खुला ट्राउज़र कटिंग हो गया है इस तरीके से, और हमने इसकी मियानी की जो है शेप देनी है, ताकि इसका जो फिटिंग का है वो अच्छी आए। और हमने इसको इधर से कटिंग कर लेना है। ये देख सकती हैं, ये हमारा सिंपल ट्राउज़र कटिंग हो गया है। अब आपने क्या करना है व्यूअर्स, आपने इसे इस तरीके से कटिंग कर लेना है। आप इस तरीके से इसे कटिंग कर लें, अब हमने क्या करना है, हमने जो है ये जो पट्टियां ली है हमने, और ये चकोर पीसेस जो लिए हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। ये हमने इतनी तकरीबन पट्टी ली है, आपने इस पट्टी से 3 साइज जो है 3 साइज़ की पट्टियाँ निकाल लेनी है इस तरीके से। आप चाहें तो चौड़ी भी लगा सकती हैं, पतली भी, लेकिन आप देख सकती हैं हमने इतनी पतली पतली पट्टियाँ ली हैं। हमने ये पट्टियाँ इस जगह पे लगानी है, ये देख सकती हैं, और इसके साथ हमने ये ज़िगज़ैग डोरी लगानी है इस तरीके से। तीनों पट्टियाँ इस तरीके से एडजस्ट होंगी, आप ये देख सकती हैं, इस तरीके से हम तीनों पट्टियाँ लगाएंगे ये। और हमने और जो हमने ये चकोर पीसेस लिए हैं, आप ये देख सकती हैं बिल्कुल बराबर साइज़ के हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने ये समोसा स्टाइल बना लेना है। ये समोसा स्टाइल आपने क्या करना है, आपकी जो है बेबी की जो हम ये जो जोड़ लगाएंगे, इसमें हमने ये समोसा स्टाइल लगाकर और हमने इसके सिक्के लगा लेने हैं इस जगह पर, और इस जगह पर हमने 3 लगाने हैं। ये मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ इसकी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही सिंपल सा खूबसूरत सा ट्राउज़र है ये, बहुत ही प्यारा। तो व्यूअर्स, मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इस तरीके से जो बीच का कपड़ा था वो भी कटिंग कर लिया है हमने, और हमने इस तरीके से हमने ये बीच वाली साइड पे भी लगाने हैं 2 सिक्के, और इस तरीके से ये और इधर भी लगाने हैं, और हमने इस तरीके से पट्टियाँ काट कर 3 जो है हमने इधर 1, 2, 3, 4 आएंगे, इसमें 4 हमने ज़िगज़ैग लगाकर आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्राउज़र है, तो मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने तरीका बता दिया है आपको किस तरीके से करना है आपने। ये हम जब इधर सबसे पहले आपने क्या करना है व्यूअर्स,
ये बीच की सिलाई लेनी है। आप जब बीच की सिलाई लें तो आपने इस तरीके से जो है, आपने इस तरीके से ये देख सकती हैं व्यूअर्स आप, ये बीच की जब आप सिलाई लेंगी इस तरीके से, जब आप यूं करके सिलाई लगाएंगी तो ये अंदर जो है आपके इस तरीके से नजर आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा हमने एक हिस्सा तैयार कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरीके से सिक्के लगाने हैं इधर, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही प्यारा लगता है। इधर भी लगाने हैं, आपका ये फैंसी सा ट्राउज़र जो है बहुत ही प्यारा सा तैयार हो जाएगा। ये देख सकती हैं, ये मैंने एक हिस्सा तैयार करके आपको दिखाया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताना भूल ही गई, और आसान तरीके से आपने क्या करना है व्यूअर्स, मैंने आपको इस तरीके से पट्टियाँ काट कर बताई थी, आप इस तरीके से बिल्कुल भी मत करिएगा, ये थोड़ा सा मेहनत हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इस तरीके से एक चौड़ा कपड़ा लेकर और उस पर ही आपने ये डोरी तीन जगह पे लगा लेनी है। इसका फासला देखकर मैंने इसी तरीके से लगाई है, ये देख सकती हैं, ये आसान तरीका है। अगर आपके अलग अलग कलर होते तो आप अलग अलग पट्टियाँ काट कर ही लगाती, मैंने पहले अलग अलग सिया था इसलिए मैंने आपको इस तरीके बता दी, लेकिन आपको मैं आसान तरीका बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया है, आप देख सकती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं दूसरा हिस्सा तैयार करके आपको ट्राउज़र्स पूरा सी कर दिखा देती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इस तरीके से कपड़ा लगाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने आपको एक बात और बतानी है, ये जो है हमने जो डोरी लगानी है, हमने ये जो डोरी लगानी है ये सबसे पहले आपने नीचे लगानी है, उसके बाद इसके दरमियान में, एंड में आपने इस पर तीसरी वाली लाइन लगानी है एंड में, ताकि आपका जो अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत झोल आए तो वो ऊपर ही निकले। आपको सबसे पहले पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी लगानी है। आपने ऐसे नहीं करना पहले एक लाइन लगा ली फिर यहाँ लगा ली फिर बीच में, तो उससे झोल आ सकता है। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि आपकी सिलाई में झोल ना आए तो पहले आपने ये वाली लगानी है, उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली लगानी है। ओके व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा एक हिस्सा, दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस पर हमने सिक्के लगाने हैं। मैं सिक्के लगा कर आपको बता दूँ, आपने जो है साइड की सिलाई करने से पहले जो है सिक्के लगाने हैं। और ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही आसान है सिक्के लगाना, इस तरीके से आप इसके अंदर डालें इस तरीके से, और ये देख सकती हैं सिक्का ये लग गया है इस तरीके से। और पीछे से आपने क्या करना है, पक्का कर देना है। तो इस तरीके से मैं सारे सिक्के लगा लूँगी और आपको इसकी मुकम्मल बता दूँ कि आपने करना क्या है इसके बाद। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरीके से हमने सारी जगह पे सिक्के लगा लेने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे दोनों हिस्से कंप्लीट हुए हुए हैं। हमने क्या करना है, इसकी साइड की सिलाई लगा दी है इधर से और उधर से, और हम ऊपर इसमें इलास्टिक डाल लेंगे और फिर हम इसको आपको इस तरीके से कर पूरी सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से। आपने जितना खुला रखना है, जितना फिटिंग रखना है, फिर आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, आपका ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आप ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, आप देख सकती हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हमने इसके साथ जो फ्रॉक बनाई है वो है ये आप देख सकती हैं व्यूअर्स, मैंने इस तरीके से अंगरखा बनाकर इसकी फ़्रॉक तैयार की है। ये फैंसी ड्रेस हमारा ईद के लिए तैयार हो गया है, आप देख सकती हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ इसका किस तरीके से, ये देख सकती हैं आप, ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसलिए इसके साथ ये ट्राउज़र तैयार किया है कि ये हमारा ईद के लिए फैंसी ड्रेस तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकती हैं आप, ये जो हमने इसके बटन्स लगाए हैं ये भी फैंसी लगाए हैं, और इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग के साथ मैंने ये लेस लगाई है जो कि ट्राउज़र में मैचिंग कर
तो ये हमारा ईद के लिए ड्रेस तैयार हो गया है। ट्राउज़र देख सकती हैं आप, इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें व्यूवर्स, तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए हमारा ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी भी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा।